शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार गलती से बन गई है और वह कभी भी गिर सकती है। अब खड़गे के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से बयान सामने आया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने खड़गे पर पलटवार किया है। जेडीयू नेता ने खड़गे से पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के स्कोर कार्ड के बारे में पूछा। नीरज कुमार ने पूछा कि क्या खड़गे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ है। कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई है। गौरतलब है खड़गे ने कहा था कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, यह अल्पमत की सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। देखो एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यह गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। आपको बता दें, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 32 कम सीटें मिली हैं। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।